होम शेफ्स, मैं हूँ अतिमा। आज हमारे साथ एक और होम शेफ मौजूद है, तो उनके साथ आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। ये है मंजरी जी। नमस्कार होम शेफ्स। तो मंजरी जी एक अच्छी होम मेकर तो है ही, एक थिएटर आर्टिस्ट भी है, एक टीचर भी है, तो देखिए कितने सारे डायमेंशन है इनके। तो अब आप क्या आज बनाने वाली है ये बताइए। अतिमा, आज मैं बनाऊंगी वड़ी, वड़ी की सब्जी, लेकिन कुमाऊनी वड़ी। तो फिर इस कुमाऊनी वड़ी को बनाने के लिए आप कौन कौन से सामान लेती हैं? कुमाऊनी वड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए 100 ग्राम वड़ी, इसमें 4 से 5 लोग खा सकते हैं आराम से। मीडियम साइज अनियन, आधी चम्मच जीरा, 4 से 5 छोटी हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन, गेहूं का आटा, नमक और हल्दी। हींग नहीं दिख रही है? हींग, ओ ये लीजिए, ओ ये रखो, एक चुटकी हींग, और तलने के लिए तेल, वो उधर रखा हुआ है। ये जी, ओ ठीक। अब इसको चालू करें। अब हम इसमें बढ़िया तलने के लिए तेल डालेंगे। जब तक तेल गरम होता है वड़ी तलने के लिए, तब तक हम लहसुन और मिर्च कूट लेते हैं। ठीक है, यही अगर सिलबट्टे में पीस के बनाए तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है, जबकि आपकी सुविधाओं के लिए तो हम मिक्सी इस्तेमाल करते हैं, और सिलबट्टे तो आप शायद ही किसी घर में मिले, लेकिन सिलबट्टे में पीसे तो ज्यादा स्वाद मिलेगा। अब हम मिर्च कूट लेते हैं। इस छोटे से खरल में आपको तकलीफ हो रही है ना? बहुत छोटा जी। हमारी लहसुन और मिर्च तो कूट गए जी। अब हम बढ़िया डालेंगे तेल में तलने के लिए। अच्छा, तेल गर्म हो गया? हाँ। अब निकालने के लिए जी, ये बढ़िया बस इतनी तली जाएंगी, इससे ज़्यादा तली जाएंगी तो वो जलने का स्वाद आएगा। आगे बनाने के लिए इसका तेल कम करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत है। अब हम इसको ऑन करते हैं जी, और पहले डालते हैं जीरा। और जीरे के बाद इसमें पड़ेगी एक चुटकी हींग। ठीक, डालेंगे प्याज। हमें प्याज हल्का गुलाबी रखना है जी, याद रखिएगा जी, ये प्याज गुलाबी होने चाहिए जी, बहुत लाल नहीं। जी, अब ये थोड़े से गुलाबी दिख रहे हैं जी। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। तो ये कैसे पता चलेगा कि आटा भून गया? आटे भूनने की खुशबू आ गई जी। हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालते समय इसको चलाते रहिए जी, नहीं तो आटा गट्ठ ऐसा इकट्ठा हो जाएगा एक तरफ। अब वड़ी डालेंगे इसमें जी। ये थिकनेस ठीक है इसकी। हरी मिर्च, लहसुन, नमक, और हल्दी। तो सारी चीजें आपने ऐसे ही डाल दी इसमें जी, ये चीजें आपने भूनी नहीं? नहीं। ओके, ये पानी डालने के बाद अपने आप बॉईल हो जाएगा। अच्छा, वो भूनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बस अब उसको बड़ी पकने तक हम इसको उबालेंगे जी। 15-20 मिनट हो चुके हैं जी, अब ये देखना है कि बड़ी गली की नहीं। ठीक, बड़ी गल गई है जी, अभी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फातिमा जी, अब ये बड़ी तो तैयार हो गई, बस आप चख के बताइए कि कैसा बना है।
हाँ जरूर, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे ये तो सचमुच बहुत अच्छी बनी है, बहुत मजेदार और बिल्कुल अलग है ये, बहुत ऑथेंटिक है। अच्छा लगा ना? हाँ। स्वाद फर्क है बिल्कुल। ये है हमारी कुआवनी वड़ी जी, कम मसाले, लहसुन और मिर्च ने इसमें इतना स्वाद भर दिया है। हाँ सही कह रही हैं आप, इसमें जो मसाले पड़े हैं, लहसुन हो या मिर्च हो, सबका स्वाद एकदम अलग अलग आ रहा है। और यहाँ तक कि आटे की ग्रेवी का भी, मैंने तो ऐसी सब्जी पहली बार खाई है, इतने कम तेल, इतने कम मसालों में ऐसा स्वाद, गजब है। थैंक यू। तो मंजरी जी की इस कुमाऊनी वड़ी की सब्जी को आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।